नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है। अब बात करते हैं दिल्ली के अंदर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने पूरा कहा जाए कि कीचड़ उछाल रखा है, उसकी शुरुआत हो चुकी है चुनाव से पहले। आम आदमी पार्टी और उसके जो कारिंदे हैं वो इसी तरीके की कारगुजारियों को लगातार करते हैं। और इस बार आम आदमी पार्टी के अंदर जो सुनीता केजरीवाल की एंट्री हुई है, जिसको सब लोग बहुत गंभीर मान रहे थे, बहुत अच्छी अफसर मान रहे थे कि वो अच्छी अफसर थी तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा करेंगी, लेकिन वो भी पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी वाले रंग में रंग चुकी हैं। जिस तरीके से उन्होंने पिछले दिनों बाबा साहेब अंबेडकर, शहीद भगत सिंह की फोटो के बीच में केजरीवाल की जो फोटो लगाई, अरविंद केजरीवाल की फोटो जेल वाली, और वो भी उससे पूरे देश के अंदर एक तरीके से देखा जाए तो बवाल मच चुका है। हर तरफ, हर शहर में, हर जगह पर, हर मोहल्ले में केवल इसकी चर्चा है और आम आदमी पार्टी को लोग थू-थू करना शुरू कर चुके हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी को इससे क्या, ये तो इस तरीके के लोग हैं, ये इसमें भी अपनी पब्लिसिटी को देख रहे हैं और जिस तरीके की हरकतें, ये अभी और गंद मचाएंगे। ये गंद अभी इसकी शुरुआत हुई है, अभी ये गंद और ज्यादा मचाया जाएगा और इसी गंद के जरिए ये आप समझिए एक तरीके से पब्लिक के ध्यान में, पब्लिक के दिमागों में घुसना शुरू कर देंगे। तो अब इसकी शुरुआत हो चुकी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि शहीद भगत सिंह और बाबा साहेब अंबेडकर के जो बीच में अरविंद केजरीवाल की फोटो लगी है, हम आपको ये भी बता देते हैं कि ये कोई उनका अपना पर्सनल घर नहीं है, ये अरविंद केजरीवाल यानी के दिल्ली के मुख्यमंत्री, इसमें किसी का नाम नहीं लिया जाता है, इसमें ये कहा जाता है ये दिल्ली के मुख्यमंत्री का कार्यालय है, ऑफिशियल है, ये कुर्सी ऑफिशियल है, ये पूरी दीवार ऑफिशियल है, ये पूरा झंडे ऑफिशियल है, तिरंगा झंडा लगा हुआ है। और इसके बीच में जिस तरीके से केजरीवाल को जेल के अंदर, भ्रष्टाचारी केजरीवाल जिस पे हजारों करोड़ रुपए का घोटाला है, जो 78,000 करोड़ के जल बोर्ड के घोटाले में अभी अभी अदालत ने बहुत सारी बातें बोली है, जिस तरीके से वो शराब घोटाले में अंदर जेल के अंदर बैठा हुआ है, उसकी तस्वीर को बीच में, शहीदों के बीच में लगाना सचमुच बहुत शर्मनाक है। लेकिन ये सारी बातें अभी चर्चा में है और पब्लिक उनको बहुत ज्यादा एक तरीके से कहा जाए क्रिटिसाइज कर ही रही है। लेकिन इसी बीच शहीद भगत सिंह के पोते जो यादवेंद्र सिंह हैं, वो सामने आ चुके हैं और उन्होंने इस पर बहुत तीखी प्रतिक्रिया आम आदमी पार्टी के लिए दी है और देनी भी चाहिए थी। उन्होंने बहुत कुछ आम आदमी पार्टी के लिए बोला है और सबसे बड़ी बात यह है, उन्होंने ये जरूर कहा है कि इस तरीके की हरकत को देश बर्दाश्त नहीं करेगा। जिस तरीके से इन्होंने किया है, ये सचमुच बहुत गलत काम किया है। शहीद भगत सिंह या कोई भी शहीद या कोई भी हमारे जो क्रांतिकारी थे, उनके मुकाबले में ये भ्रष्टाचारी लोग तो कहीं पर ठहरते ही नहीं है। इसके अलावा कोई देश का नेता उनका मुकाबला नहीं करता है और आज तक किसी भी नेता की तस्वीर उनके बराबर नहीं लगाई गई है। बहुत कड़ी प्रतिक्रिया दी है यादवेंद्र सिंह ने, जो शहीद भगत सिंह के पोते हैं। जरा एक बार सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। की तुलना शहीद आजम भगत सिंह जी और अंबेडकर जी के साथ करने का एक गलत प्रयास किया, मैं तो कहूँगा दुस्साहस किया गया। दलगत राजनीति का स्तर ऐसा नहीं है कि वो शहीद आजम भगत सिंह जी के साथ मिलान कर सके। तो राजनीति का स्तर देख के मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि उनके साथ किसी भी राजनेता को अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए, ना बाबा साहब अम्बेडकर जी के साथ, ना ही शहीद भगत सिंह जी के साथ। अगर गलती से आम आदमी पार्टी द्वारा ये चीज़ हो भी गई है तो मैं तो उनको ये कहूँगा इसको वो ठीक करें, उस फोटो को वहाँ से हटाएं भगत सिंह जी और अंबेडकर जी के बीच में से, और आगे जाके इसको सही से ठीक करें। भगत सिंह जी का पूरा हिंदुस्तान वारिस है, पूरे हिंदुस्तान से मुझे कल से प्रतिक्रियाएं मिल रही है, सबको ये बहुत बुरा लगा। आपने सुना होगा कि किस तरीके से यादवेंद्र सिंह ने विरोध किया है अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की इस हरकत का, और उन्होंने कहा कि शहीद भगत सिंह देश में, देश के लिए हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए थे और ये
भ्रष्टाचार के लिए जेल में है, इसके बावजूद ये कह रहे हैं कि ये अपनी फोटो लगाते हैं उनके बराबर में। शहीद भगत सिंह ने जेल से अपनी फांसी से पहले एक पत्र लिखा था। अगर आप शहीद भगत सिंह को पढ़ा हो तो जिस वक्त उनको फांसी पर चढ़ाए जाने की डेट फिक्स की गई थी, अंग्रेजी हुकूमत ने फिक्स कर दी थी, उस वक्त उन्होंने जब ऐसे वक्त में जब उनके बहुत सारे क्रांतिकारी साथी शहीद भगत सिंह को छुड़ाने के लिए प्रयास कर रहे थे, उस वक्त उन्होंने जेल से एक पत्र लिखा था और उस पत्र का मर्म यह था। आप आज भी अगर सुनेंगे, किसी को भी अगर आज सुनाया जाए तो सचमुच उसकी आंखों में पानी आ जाते हैं। शहीद भगत सिंह ने अपने क्रांतिकारी साथियों को और पूरे देश की जनता को जनता के नाम से लिखे गए पत्र में बहुत स्पष्ट कहा कि मुझे इस फांसी से कोई गुरेज नहीं है, इस पर चढ़ धाने दीजिए, मैं बहुत हंसते हंसते इस फांसी के फंदे को चूमकर फांसी पर चढ़ना चाहता हूं। इससे पूरे देश और दुनिया के अंदर जो क्रांति की लड़ाई को देखते हैं और जो देश में इस क्रांति को देखेंगे, वो सभी माताएं ये कहेंगी कि मेरी भी कोख से भगत सिंह को जन्म लेना चाहिए। ऐसी जो मैं पूरी एक ऐसी मानसिकता फिक्स करना चाहता हूं, इसलिए मुझे छुड़ाया नहीं जाना चाहिए, मैं हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमते हुए चढ़ जाऊंगा। तो ये जो शहीद भगत सिंह ने कहा था, सचमुच ये अपनी एक तरीके से कहा जाए कि एक व्यक्ति का अपने देश के लिए जो बलिदान था, उसका इससे बड़ा महानतम उदाहरण देश के अंदर हो ही नहीं सकता। लेकिन एक तरफ ये अरविंद केजरीवाल अखंड भ्रष्टाचार में डूबा हुआ व्यक्ति, जिसने तिहाड़ जेल से भी पैसे उगा लिए, जिसने प्रोटेक्शन मनी के नाम पर हजारों करोड़ रुपए खाए, जो महाठग सुखेश चंद्रशेखर को ठग के चला गया, इनके साथ तो नटवर लाल की फोटो लगाई जानी चाहिए, ये सब कमेंट्स में जनता इनके लिए लिख रही है। और वही केजरीवाल जो शराब घोटाले में अंदर है अब जेल के, और बाहर आकर कुछ और बातें कहता है, कोर्ट के अंदर माफी मांगता है, हजारों बार जो माफी मांग चुका है, उस केजरीवाल की शहीद भगत सिंह के साथ फोटो लगाना सचमुच बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये देश को, हमारे कानून को, इन सब को, अदालतों को, सुप्रीम कोर्ट को भी इस बात में सोचना होगा कि क्या इस तरीके की इजाजत ऐसे लोगों को दी जा सकती है जिनके ऊपर दर्जनों मुकदमे भ्रष्टाचार के चल रहे हो और अखंड जो भ्रष्टाचार में डूबे हो। आज जिस तरीके से शहीद आजम भगत सिंह के पोते यादवेंद्र सिंह ने धोखा रख दिया है आम आदमी पार्टी को, सचमुच ये अपने आप में बहुत ज्यादा है। लेकिन जनता इसका हिसाब जरूर देगी कि किस तरीके से ये अपने फायदे के लिए, ये इतने मक्कार लोग हैं कि अपने फायदे के लिए किसी भी व्यक्ति को, किसी भी नाम को, किसी भी संस्थान को बदनाम करने से पीछे नहीं हटते। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। लेकिन आज जिस तरीके से शहीद आजम भगत सिंह के पोते यादवेंद्र सिंह सामने आए और उन्होंने इसका कड़ा विरोध किया और कड़ी प्रतिक्रिया दी, उससे सचमुच जनता को बहुत राहत मिली है। लेकिन इस पर एक्शन होना बेहद जरूरी है, क्योंकि ऐसे लोगों को कतई ये इजाजत नहीं दी जा सकती जो हमारे क्रांतिकारी, हमारे शहीदों के साथ अपनी अपने आप अपनी तुलना करें। सचमुच बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और आम आदमी पार्टी को इसका खामियाजा जरूर भुगतना पड़ेगा। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। इसके अलावा आप अगर हमें आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के सुपर थैंक्स बटन को दबाकर हमें आर्थिक रूप से मदद भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।